नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची मेहरा और लेकर आई हूं आपके लिए एमकेएन की खास पेशकश, जिसमें हम आज बात करेंगे बिजली पर रार की। मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, इसे लेकर अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब आपूर्ति से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है तो संकट क्यों है, बंटाधार आखिर कौन है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी सरकार पर हमला किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा है कि बिजली पूरी है, उन्हें कहां दिक्कत है इसलिए क्योंकि नर्मदा के बांध खाली है, पानी वाली बिजली नहीं मिल रही है और कोयले की खदान में भी पानी भर गया है, पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई है। कभी कभार ऐसा मौका आता है, सरकार बिजली के पर्याप्त इंतजाम कर रही है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि बिजली संयंत्र बंद है, बांध खाली है, पानी और कोयले की वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है, थोड़े दिन में इस पर भी विजय पाली जाएगी। बता दें कि 2003 के विधानसभा चुनाव में बिजली की कमी सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसे लेकर बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोलते हुए चुनाव प्रचार अभियान में तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार बताते हुए थे। बीजेपी हमेशा से यह आरोप लगाती रही है कि दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। साथ ही प्रदेश में उनके शासनकाल के दौरान बिजली और सड़क की स्थिति काफी खराब थी। मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल होने में बीजेपी के लिए बिजली और सड़क का मुद्दा कारगर साबित हुआ था। अब मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती की स्थिति निर्मित हुई है, तो दिग्विजय सिंह ने बंटाधार को लेकर सवाल किया है। बिजली मंत्री कभी खंभे में चढ़ जाते हैं, कभी उनके ऑफिस में घुस जाते हैं, कभी बिजली कर्मचारी के पैर पड़ लेते हैं, लेकिन इनका षड्यंत्र चल रहा है कि पूरा का पूरा बिजली विभाग इसको बेच देना। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो 8000 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, न तो थर्मल पैदा हो रही है न हाइड्रोलिक पैदा हो रही है, और कम से कम 3-4 हजार मेगावाट की कमी है। ये 2000 मेगावाट पहले से ही बाहर से खरीद रहे हैं प्राइवेट कंपनी से, अब और प्राइवेट कंपनी से खरीदना, ये 2000 करोड़ का जो लोन 1 सितंबर को लेने वाले हैं, इससे बिजली खरीदेंगे, उसमें भ्रष्टाचार करेंगे और लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं देंगे। ये कोरोना के लोगों की जिनकी जान गई उनके परिवार को 4 लाख नहीं देंगे, ये आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं करेंगे, ये बड़े बड़े बिल जो आ रहे हैं, जो 100 रुपये 100 मिनट आते थे कमलनाथ जी के समय, अब हजारों के जो बिल आ रहे हैं, इस पे रियायत नहीं देंगे। ये केवल इन जो पैसा आएगा इससे कर्ज लो और घी पियो, ये नीति है इस सरकार की। और हमारी मांग है कि जो प्रद्युम्न सिंह तोमर विद्युत मंत्री हैं, इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल अलग नहीं है, हेडिंग अलग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 18 से 20 घंटे की कटौती नहीं है, उसको आपने कहा कि उनने कहा कोई कमी ही नहीं है। उनका लक्ष्य अलग था, उन्होंने कहा 20 घंटे की कटौती कहीं नहीं हो रही, गलत जानकारी दे रहे हैं। हमारा बयान और उनके बयान बाद में, उनने भी वही कहा है कि वर्तमान में संयंत्र हमारे काम करना बंद किए, बांधों में पानी जो आना चाहिए, हमारी पूरी नर्मदा वैली के जो बांध हैं उन बांधों में पानी, इस बार वहां बारिश कम हुई है अभी तक, तो उसकी वजह से, कोयले की वजह से 3-4 चीजें इकट्ठी हुई, इससे दिक्कत है। मित्र, ये शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की अंधेरे वाली सरकार से उजाले में लाई है। ये एक समस्या आ गई है, ये थोड़े समय की है, मैंने कल भी कहा था 5-7 दिन में पूरी की पूरी रिकवरी हो जाएगी। जब हमने कोरोना पे विजय पाली, कोरोना काल की आर्थिक स्थिति पे विजय पाली, तो क्या हम इसमें बिजली पे विजय नहीं पाएंगे? पाएंगे। हाल की बात यह है कि बिजली संपूर्ण है, दिक्कत इसलिए है, जनता को भी जानकारी आपके माध्यम से दे रहा हूं, नर्मदा के बांध खाली है, पानी वाली बिजली मिल नहीं रही है, कोयला की खदानों में पानी भर गया,
पर्याप्त आपूर्ति हुई नहीं, और इसलिए कभी कभार ऐसा मौका आता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अब कोयले का भी इंतजाम हो रहा है और पानी की बिजली नहीं मिल रही तो वैकल्पिक बिजली का इंतजाम कर रहे हैं, और बिजली पर्याप्त मात्रा में जनता को उपलब्ध होगी, उसके लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। संकट है, इसमें कोई दो मत नहीं, पानी नहीं गिरा तो नहीं बनी पानी की बिजली। आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से अघोषित बिजली की कटौती हो रही है, और अब इसी बिजली की कटौती के चलते बयानबाजी का जो सिलसिला है तमाम पार्टियों के बीच वो शुरू हो गया है। इन बयानों को लेकर और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वहीं आपको बता दें कि 2003 में जब बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही थी, जनता को बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बिजली को ही मुद्दा बनाते हुए यहां पर कांग्रेस को बंडाधार कहा था। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। देवदत्त जी, बीते कुछ दिनों से अघोषित बिजली की कटौती के कारण जनता भी परेशान है और किसानों को काफी ज्यादा खास तौर पर परेशानी हो रही है, और इसी को देखते हुए बयानबाजी का जो दौर है वो तमाम पार्टियों के बीच में ये शुरू हो गया है। ये जो माहौल फिलहाल बना हुआ है, इसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब जब कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है और कह रही है, सवाल कांग्रेस द्वारा ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार बंटाधारी कौन है? ये जो 2003 का विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जी, तब बिजली, सड़क और पानी मुद्दे से बीएसपी नारा दिया था, लेकिन 15 वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि आज कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि इस समय बिजली कटौती हो रही, कारण जो भी हो, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है। बरसात के सीजन पर्याप्त बिजली का उत्पादन होता है और खपत कम होती है, ना भी खेतों को चाहिए, ना कोई एसी चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खपत कम है जब, और उत्पादन ज्यादा होना चाहिए ऐसे समय जब बिजली की कटौती हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस हमलावर होगी, और फिर दिग्विजय सिंह तो मुद्दों को पकड़ने वाले हैं, नेता हैं, और उनको अभी हाल ही में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन होना है उसका अध्यक्ष बनाया है राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो तो ऐसे मुद्दे तलाशेंगे हर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में चूंकि वो इन्हीं मुद्दों से मात खाए थे और उनको उस समय एक तरह से परोक्ष बंटाधार जैसा कहा गया था, अब वो पूछेंगे, क्योंकि सड़कों की पिछले दिनों कुछ बातें आई और अब वो बिजली की बातें आ गई, तो ये राजनीति में तो मुद्दों की तलाश रहती है, और इस समय कांग्रेस को ऐसा मुद्दा मिल गया है कि बेसमय बिजली कटौती हो रही है। बीजेपी जरूर इस पे अपना पक्ष रख रही है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक ठीक नहीं हो रही बिजली तब तक तो कांग्रेस के लिए एक मुद्दा हाथ लग गया है। जी वही देवदत्त जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है, कांग्रेस द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं, कई सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं मौजूदा स्थिति को लेकर, तो वहीं क्या आप भी इसे एक महज चुनावी मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं? क्या आपका नजरिया है इन सब चीजों को लेकर? वो तो है ही कि जो भी मुद्दे होते हैं उस पर राजनीतिक दल अपनी वो भूमिका तलाशते हैं कि इसमें कैसे जन समर्थन हासिल किया जाए, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई भी दल छोड़ना नहीं चाहेगा, और कांग्रेस को क्योंकि बड़ी विपक्षी दल है तो वो क्यों छोड़ना चाहिए, वो तो इसको करेगी, और बीजेपी बचाव करेगी और कांग्रेस हमलावर होगी। जी देवदत्त जी, वहीं आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या 2003 के समय जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा जो आरोप तमाम कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे थे, तो क्या कहीं ना कहीं ये दिग्विजय सिंह की एक टीस के तौर पर कहीं ना कहीं ये बाहर आ रहा है, क्या आपको लगता है? हाँ, ये तो होता ही है, आप जिस चीज पे आरोप लगाओ और वही आप में कमी देखे तो फिर वो करेगा। हालांकि उस समय बहुत ज्यादा थी कि रात में कहीं आप 12 बजे गोल हो रही, फिर आ रही, फिर 4 बजे गोल हो रही, आदमी छत पे और अंदर बाहर हो रहा था, उस समय बिजली कटौती बहुत थी और सड़कों की बहुत हालत खराब थी,
लेकिन जब आप उसी को मुद्दे पे लगातार बीजेपी टारगेट करती रही है, दिग्विजय सिंह को तीन आम चुनाव में याद दिलाती रही है वो कार्यकाल, तो अब जबकि थोड़ा भी मौका मिला है तो दिग्विजय सिंह तो इस मौके की तलाश में होंगे और अब वो पूछ रहे हैं कि कौन बंटा ढार जी। तो ये तो राजनीति में होता है, जब जिसको जो मौका मिलता है तो उसमें हमलावर होता है और दिग्विजय सिंह ये बिल्कुल खिसियान नहीं होंगे क्योंकि उनकी उस समय छवि प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बना दी गई थी जैसे प्रदेश में 10 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो। उस समय ये हालतें भी कुछ वैसी हो गई थी कि लोग सड़क के लिए भी परेशान थे और बिजली के लिए भी। जी देवदत्त जी, वहीं यहां पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा ये भी बातें की जा रही है कि जब सरकार को पता था कि बारिश का मौसम है यानी कि तमाम मुश्किलें इस दौरान सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस द्वारा ये भी सवाल उठाए गए हैं कि आखिरकार क्यों पहले से तमाम इंतजाम नहीं किए गए ताकि जो जनता है वो परेशान ना हो। हाँ, ये तो सवाल बनता भी है और होना भी चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कहा था, इस समय कोई बिजली की कमी नहीं है और बरसात में उत्पादन भी पर्याप्त होता है अपने उसमें, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं रहती है और खपत बहुत कम होती है इस सीजन में, वर्षा ऋतु में खपत बहुत कम होती है, तो ऐसे समय तो बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, निर्यात करने की स्थिति है और रहती थी हमेशा, लेकिन अब कमी हो रही है और कटौती हो रही है, तो सवाल तो बनता ही कि कहाँ मिसमैनेजमेंट हो गया, क्या दिक्कत हो गई, क्यों ऐसा तैयारी नहीं की कि ये हो रहा है, तो वो तो उस पर सवाल कोई भी करेगा और कांग्रेस जो विपक्षी दल है तो उसको तो हमलावर होना ही चाहिए, और इस समय यदि भाजपा विपक्ष में होती जी। तो वो सड़कों पे आंदोलन करती कि सरकार की नाक में दम कर देती जी। जी देवदत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि अघोषित बिजली कटौती जो है वो शुरू हुई है, उसके बाद से ही तमाम बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो गया है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अनिल मूलचंदानी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। अनिल जी, बीते कुछ दिनों से बिजली कटौती प्रदेश में हो रही है और इसके कारण जनता ही नहीं किसान खासतौर पर यहां पर परेशान हो रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस तमाम सवाल इस बिजली कटौती को लेकर उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की कटौतियों से परेशान है, उनके कार्यकर्ता कम होते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है जी। पूरे मध्य प्रदेश में किसी नगर में, किसी गांव में, किसी खेत में, किसी खलिहान में बिजली की कोई समस्या नहीं है। अतिवृष्टि के कारण और कहीं कम बरसात के कारण कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। कई बार बरसात आती है, बिजली बंद हो जाती है, वो समस्या नहीं होती, वो प्राकृतिक समस्या है। प्राकृतिक समस्याओं को कांग्रेस जो है अपने मतों को भुनाने के लिए, अपने बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को समेटने के लिए, इस प्रकार के मनगढ़ंत भ्रमित करने के लिए जनता को आरोप लगाती है। मध्य प्रदेश में कोई बिजली की समस्या नहीं है। कुछ समाचार पत्रों में जब इस प्रकार की खबरें छपी, प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तत्काल उसी समय वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग कॉल की, समस्या क्या है, तो समस्या सामने आई कि कहीं पानी ज्यादा जल जाने चले जाने से, पानी खदानों में भर जाने से कुछ कोयला गीला हो गया था, कुछ समस्या वहीं थी और कुछ ऐसी समस्या थी जहां कोयला सूखा पाया गया, लेकिन इधर से उधर माल डिस्पैच किया गया और मध्य प्रदेश की बिजली की जो समस्या थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। इस प्रकार की प्राकृतिक कई बार आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं को मैनेज करने के लिए प्रत्येक राज्यों में सरकार होती है, सरकार अपने दायित्व पर अडिग है और मध्य प्रदेश की जनता को संपूर्ण बिजली की पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है। जी अनिल जी, वहीं यहां पर दिग्विजय सिंह ने बंटाधार को लेकर फिर सवाल खड़ा किया है, उनका कहना है कि आखिरकार बंटाधार कौन कर रहा है ये भी सामने आ रहा है, ऐसा उनका सवाल यहां पर उठ रहा है, तो क्या आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? क्या 2003 में जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी थी और कांग्रेस का विरोध इस दौरान किया गया था, तो क्या अब दिग्विजय सिंह की एक टीस के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? नहीं, दिग्विजय सिंह जी क्योंकि बंटाधार थे, मानसिकता वही थी, उन्होंने मध्य प्रदेश को जिस हालातों में भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था, जिस प्रदेश के अंदर बिजली होती नहीं थी, बच्चे परीक्षाएं नहीं दे पाते थे, मध्य प्रदेश के छात्रों के परिणाम क्या हो गए थे, मध्य प्रदेश में सड़क नहीं रही थी, ये बंटाधार शब्द बहुत अच्छा दिग्विजय सिंह जी ने कहा है
क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर टैग लगा हुआ है। उन्होंने मध्य प्रदेश को जिस तरीके से जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया था, और अभी जो कमलनाथ जी की सरकार आई उस सरकार ने भी मध्य प्रदेश को उसी खाई की तरफ धकेलने का जब प्रयास किया तो कांग्रेस के नेताओं को ही लगा कि यह सरकार पुनः बंटाधार के रास्ते जा रही है। तो जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोग थे, जो मध्य प्रदेश के संवेदनशील नेता थे, जिन्होंने जनता की वेदना को संवेदना को समझा, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विकासशील सरकार का सहयोग देना उचित समझा और अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास में लिया और पुनः चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। बंटाधार मुख्यमंत्री जी के रूप में दिग्विजय सिंह जी का जो कार्यकाल रहा वो मध्य प्रदेश के इतिहास में, अब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बंटाधार मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी बदौलत लोकसभा के चुनाव में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिस अनुपात से चुनाव में हारे, दिग्विजय सिंह जी को राजनीति से तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए था, परंतु वो एक जो उनकी अंदर की पीड़ाएं हैं अभी कांग्रेस को और खत्म करने की, वो शायद जो अर्जुन सिंह जी ने किसी जमाने में कसम खाई थी कि क्या मैं कांग्रेस को खत्म करके मानूंगा, वही कसम दिग्विजय सिंह जी ने प्रतिज्ञा ले रखी है। जब तक कांग्रेस का पूरा सफाया दिग्विजय सिंह और उनका पुत्र नहीं करेगा, तब तक दिग्विजय सिंह जी को शांति नहीं मिलेगी। जी अनिल जी, वहीं यहां पर कांग्रेस द्वारा एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये जो समस्या सामने आ रही है ये अचानक तो नहीं आई है, तो क्यों आखिरकार उनका सवाल यही है कि पहले से क्यों इंतजाम आखिरकार नहीं किए गए ताकि जनता परेशान ना हो। देखिए, कौन सी सरकार क्या कर रही है इसका परिणाम जनता तय करेगी। जी, आने वाले उपचुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता की कोरोना काल में जिस प्रकार से सेवा की है उसी आधार पर मत दिए जाएंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि उपचुनाव में वो बुरी तरीके से परास्त होने वाली है, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के भ्रमित समाचार लाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करती है, परंतु मीडिया चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि जनता समझ रही है कि कौन सी सरकार हमें भ्रमित कर रही है और कौन सी सरकार हमें विकास के मुद्दे पे आगे बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपचुनाव में जीतेगी, उसकी घबराहट से कांग्रेस वक्तव्य दे रही जी। है। अनिल जी, कुछ देर के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। वहीं हमारे साथ शहरयार खान, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार शहरयार जी। बिजली कटौती से जो जनता है वो परेशान है, किसान खासतौर पर परेशान है, वहीं यहाँ पर कांग्रेस द्वारा कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका इन सब माहौल को लेकर? देखिए, मैं भाजपा के अपने साथी प्रवक्ता को सुन रहा था, उनका जो प्रवचन था वो निश्चित ही राजनीति से प्रेरित था। आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, पहले तो वो इस बात का जवाब दे दें कि मध्य प्रदेश में आज बिजली का उत्पादन, आज के दिन हम बात कर रहे हैं 3 सितंबर की, कितना था, अगर उनके पास जवाब है तो वो दे दें। और दूसरी बात, अगर नहीं है तो बिल्कुल ध्यान से सुने, मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का, छलने का जो आप लोग का चरित्र है वो मध्य प्रदेश पिछले 16 साल से ज्यादा से देख रहा है। बात है कमलनाथ सरकार की, जो कमलनाथ सरकार के टाइम में 8000 मेगावाट से ज्यादा मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता था, जो सरप्लस रहता था। आज की स्थिति यह है कि मांग है हमारी 8517 मेगावाट आज की 3 सितंबर की, और उत्पादन है 7000 के समथिंग। तो ये 1500 मेगावाट की जो मांग और आपूर्ति के बीच में जो गैप है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। ये हमारे इवेंट वाले बिजली मंत्री जी जो आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, खंभों से लाइन बंद करा के पन्निये हटाते हुए दिख रहे हैं, जिनके घर पे 96 लोगों का स्टाफ काम करता है, वो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के तारों पे चढ़ के पन्निये हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने ही विभाग की उस चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के पास पन्निये हटाने का, बिजली मेंटेनेंस का स्टाफ की कमी की वजह से समय रहते उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी और बिजली मंत्री और भाजपा के गृह मंत्री ने जो बयान दिए वो मैंने आपकी टीवी स्क्रीन पे देखा सुना है, तो उसकी बात माने तो कहीं पर अतिवृष्टि, ज्यादा वर्षा और कहीं पर सूखे की वजह से नहीं बिजली का उत्पादन है। तो ये दोनों ही इनके तथ्य मिथ्या है, झूठे हैं,
बरगलाने वाले हैं। हकीकत ये है कि भोपाल समेत प्रदेश के 12 जिलों में ये बिजली का शटडाउन कर रहे हैं 10 से 12 और 15 घंटे तक। ये भोपाल के 517 गांव इसमें आते हैं और मध्य प्रदेश के कोने कोने की अगर पूरा डाटा आ जाएगा तो ये आंकड़ा अधिक बढ़ेगा। जो बात कर रहे हैं कि बिजली का उत्पादन की कमी अधिक वर्षा से या कम वर्षा से है, तो हकीकत ये है कि कोयला कंपनियों का पेमेंट इन्होंने नहीं करा है, जिसके लिए ये 2000 करोड़ का फिर से लोन लेके घी पीने का काम कर रहे हैं। बिजली कंपनियों का इन्होंने पेमेंट नहीं करा है, जिसके लिए ये 2000 करोड़ का फिर से मध्य प्रदेश की जनता पे कर्ज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हकीकत से परे ये जो बयान दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह का वो बयान की निजी जुड़े हुए हैं। आपका ये जो सवाल है अनिल बुलचंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर कोयले का पेमेंट यहाँ पर नहीं किया गया है और तमाम आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं बीजेपी प्रवक्ता द्वारा, क्या क्या कहेंगे आप इन सब को लेकर? यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जो कोयले का भुगतान है वो नहीं किया जा रहा है, और इसके साथ ही जो तमाम बीजेपी नेताओं के बयान यहाँ पर सामने आए हैं कि बिजली मतलब पानी की बांध खाली है और तमाम जो अतिवृष्टि है इनका जो कारण दिया गया है, तो इसे लेकर वो साफ तौर पर इन्हें नकार रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन सबको लेकर? अनिल जी छोटे नहीं जाते। अनिल जी आपको आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही है जी। अनिल जी, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि तमाम जो यहाँ पर बयान सामने आए हैं बीजेपी नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा जो बयान सामने आ रहे हैं कि अतिवृष्टि के कारण या बांध में पानी ना होने के कारण इस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर सामने आई है, तो इसे उन्होंने साफ तौर पर नकारा है। उनका यही कहना है कि जो सरकार है वो यहाँ पर बिजली देने में, आपूर्ति में यहाँ पर सरकार नाकाम नजर आ रही है, ऐसा उनका कहना है। इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने की कांग्रेस की नकारी सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का शासन संभाला था जी। अरे ये बताइए ना कि आज उत्पादन कितना है मध्य प्रदेश में? जो लोग जाते थे आज की डेट में मध्य प्रदेश में उत्पादन कितना है और मांग कितना है? बात करते थे अपने क्षेत्र के विधायक, कांग्रेस के विधायक अपने बाहर आके बात करिए मुद्दों पे और उनके लोगों ने मध्य प्रदेश की जनता से बिजली का जवाब सुन लीजिए, हो रहा है इस पे बात करिए। बिजली कंपनियों का बिल क्यों नहीं पेड हो रहा है? कोयला कंपनियों का बिल क्यों नहीं पेड हो रहा है? बिजली मध्य प्रदेश की जनता का क्यों समय पे नहीं मिल रही है? रवि की फसल खड़ी है और बिजली कंपनियां बिजली काटने का काम कर रही हैं आपकी नकारा नीतियों के कारण। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, 16 साल से सरकार आप चला रहे हैं और दोष दे रहे हैं कांग्रेस को, अपने गिरिवाम ने झांकी है। और कांग्रेस की चादर ओढ़ के कब तक बचते रहेंगे? हम आपको बता दें लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, और यहाँ पर आपको बता दें बिजली कटौती से पिछले कई दिनों से जनता है जो परेशान है। नहीं देखिए, जनता कहीं परेशान नहीं है, परेशान केवल कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हैं। अच्छा, मुझे जनता परेशान नहीं है? सभी जगह जनता कहीं समस्या भोपाल में के नहीं, किसान कहीं समस्या में भोपाल के 517 गांव में घूम लो अगर आपको कहीं नहीं परेशानी दिख रही है, मेरे साथ चलिए मैं आपको घुमाता हूँ। मैं आपके साथ चलने शहर यार भाई साहब इस बहाने कम से कम मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कल आप पीसीसी कार्यालय आए अपन साथ चलते हैं, आपको गांव के लोगों से सच्चाई दिखवा दूंगा, सुनवा दूंगा। मैं पूरे गांव भारतीय जनता हर कार्यकर्ता हर विधायक हर सांसद अपने क्षेत्र में सक्रिय है। क्यों? कोई सक्रिय नहीं है, सिर्फ सब मलाई खाने में लगे हुए, जनता की पैसे का दोहन करने में लगे हैं और बंद बिजली की लाइनों में बिजली मंत्री खड़े होकर पन्नी हटाने का जो पाखंड कर रहे हैं ना, वो सब मालूम है प्रदेश की जनता को, भी दिखावे के लिए क्या कर रहे हैं? अगर इतने समय वो बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके बिजली कंपनियों का पेमेंट कर कोयला कंपनियों का पेमेंट करके मध्य प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये इवेंट की राजनीति, कभी झाड़ू हाथ में ले लेते हैं, कभी खंभों पे चढ़ जाते हैं, ये जनता बहुत बेहतर समझती है।
अनिल जी अपनी बात करिए जी, अनिल जी जवाब दीजिए अपने तमाम, आपके ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं यहाँ पर सरकार के ऊपर। ये आरोप निराधार है, मध्य प्रदेश विकास की तरफ है जी। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है अनिल जी, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ। अगर आप सच्चाई चैनल पे स्वीकार कर लेंगे तो आपको भाजपा वाले बाहर कर देंगे, मैं समझ सकता हूँ। शरियार जी उन्हें मौका तो दीजिए सच्चाई स्वीकार करने का और अपनी बात कहने का। अनिल जी अपनी बात कहिए, अंतरात्मा की आवाज पे आप सच्चाई का साथ दें। शरियार जी वहीं यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है, बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि केवल कांग्रेस इसे एक चुनावी मुद्दे के तौर पर देख रही है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिजली आपूर्ति जो है वो अब तक काफी अच्छे से जनता को हो रही थी और बारिश के दिनों में ही इस तरीके की कमी जो है वो सामने आ रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये केवल एक चुनावी मुद्दा है? हेलो जी, हेलो शहरयार जी आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ मेरे को आवाज आ रही है, मैं जो जनता की सच्चाई की आवाज भाजपा प्रवक्ता से सवाल चाहता था उन्होंने डिस्कनेक्ट करके चले गए, क्योंकि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, जनता के हितों को अनदेखी करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब जनता की आवाज विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उठाता है तो भाजपा के लोग ऐसे ही दुम दबा के भागने का काम करते हैं। सच्चाई जो मैंने तथ्यों के साथ आपके सामने और प्रदेश की जनता के सामने रखी तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो सिर्फ कांग्रेस की चादर को ओढ़ के कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप करके कब तक बचते रहेंगे? 16 साल का बड़ा लंबा वक्त होता है जिसमें मध्य प्रदेश की जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया, इसलिए दिया कि हजारों के बिजली के बिल तो आप गर्दन पे चढ़ के जनता से वसूल लें, लेकिन जब बिजली देने की बात आए, जब उसको फसल के टाइम पे गांव के लोगों को बिजली की जरूरत है, तब आप मुंह चुराने का काम करें और प्राकृतिक आपदा की आड़ में ऐसे मुख्यमंत्री उसका जवाब दे रहे हैं जो बहुत ही हास्यास्पद है। क्यों नहीं बताते कि मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के आपने लंबे समय से बिल रोक रखे हैं, कोयला जहां से आता है वो कंपनियों के आपने पेमेंट नहीं करे, जिसकी वजह से कोयला जो है आना बंद है, इसकी वजह से वो प्लांट मध्य प्रदेश में 9 प्लांट बिजली उत्पादन वाले बंद पड़े हैं। आज मांग और आपूर्ति के बीच में लगभग 1500 से अधिक मेगावाट का फर्क है, तो निश्चित ही ये सब चीज शटडाउन की तरफ जाएगी और मध्य प्रदेश की जनता को इसका भोगना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की जनता आगामी उपचुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, निश्चित ही बिजली, सड़क, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के मुद्दों पे भाजपा को सबक सिखाने के लिए और मध्य प्रदेश में वापस कमलनाथ का विकास मॉडल, छिंदवाड़ा विकास मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू कराने के लिए कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी, इसमें कोई दो चार बात नहीं है जी। शहरयार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, साथ ही तमाम गेस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली की कटौती यहां पर हो रही है और यही कारण है कि जनता यहां पर परेशान है, लेकिन इसी का फायदा यहां पर कांग्रेस उठाती हुई दिख रही है, चुनावी मुद्दा एक तौर पर इसे बनाया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि कुछ समस्याओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये सब समस्या जो है वो यहां पर उत्पन्न हो रही है और जल्द ही जिस समस्याओं का सामना यहाँ पर जनता कर रही है उसकी आपूर्ति यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल के लिए एमकेएन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।